दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे यूपी पंचायत चुनाव 2020-21 कब होंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी 25 दिसंबर को खत्म हो रहा है ग्राम प्रधानों का कार्यकाल। जाने किसके जिम्मे होगी ग्राम पंचायतें। तो दोस्तों और बजट खत्म करने पर जोर दिया जा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको कमेंट करके बताना है आपके गांव में कितनी जनसंख्या है, तो दोस्तों उसी हिसाब से आपके गांव का बजट मिलता है। तो दोस्तों कितना बजट मिलता है हम आपको बताएंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास आए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि आप देख सकें हमारी नई नई वीडियो सबसे पहले। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यूपी पंचायत चुनाव 2020-21 25 दिसंबर को खत्म हो रहा है ग्राम प्रधानों का कार्यकाल। जाने किसके जिम्मे होगी ग्राम पंचायत, यानी यूपी के ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान बीटीसी और जिला पंचायत सदस्यों का कार्यकाल 25 दिसंबर को खत्म हो रहा है। ग्राम पंचायत के विकास में प्रधानों का अधिकार समाप्त हो जाएगा। संभावना है कि इसके बाद हर गांव में एडीओ यानी पंचायत में प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। प्रशासक की नियुक्ति के लिए पंचायत राज विभाग में प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। डीपीआरओ में प्रशासकों की नियुक्ति के लिए अभिलेख तैयार करना शुरू कर दिया है। अभी चाहिए प्रक्रिया की जा रही है। तो दोस्तों बजट खत्म करने पर जोर, यानी प्रधानों का पूरा जोर रुका बजट खत्म करने पर है और ज़्यादा से ज़्यादा काम कराने पर है ताकि आगे फिर से लोगों का भरोसा जीतकर प्रधान बन सकें। एक अनुमान के मुताबिक अब बात को छोड़ दे तो ज़्यादातर ग्राम पंचायतें इस साल का भी 50-80-90% यानी तक बजट खर्च कर चुकी हैं। पंचायती राज विभाग के अनुसार ग्राम पंचायतों को उसकी आबादी क्षेत्रफल और अनुसूचित जाति की जनसंख्या आबादी के हिसाब से बजट मिलता है, लेकिन एक अनुमान के अनुसार छोटी यानी 1000 से 1500 की आबादी वाले ग्राम पंचायतों को सालाना 5-7 लाख का बजट मिलता है, जबकि बड़ी 10-10 हजार आबादी वाली पंचायतों में ये रकम 50-70 लाख व ज़्यादा भी हो सकती है। 15वें वेतन में क्षेत्र पंचायतों को फिर से बजट मिलने के चलते ग्राम पंचायतों के बजट में कमी आई है, वरना 14वें वित्त में कई बड़ी पंचायतों का बजट 1-1 करोड़ को पार कर जा रहा है। खैर तकनीकी दिक्कतें यदि को छोड़ दें तो ज़्यादातर ग्राम पंचायतें अपना इस साल का 80-90% तक का बजट खर्च कर चुकी हैं ताकि यानी बाकी शेष पैसे से जल्द ही खत्म करना यानी जल्द ही खत्म करने पर जोर दिया जा रहा है। तो दोस्तों 25 दिसंबर को यानी यूपी के ग्राम पंचायत यानी ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, यानी ग्राम प्रधान बीटीसी और जिला पंचायत सदस्यों का कार्यकाल 25 दिसंबर को खत्म होने जा रहा है। ग्राम पंचायत के विकास में प्रधानों का अधिकार समाप्त हो जाएगा। संभावना है कि इसके बाद हर गाँव में एडीओ पंचायत को प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। तो दोस्तों हर गांव को एक एडीओ पंचायत को प्रशासक नियुक्त किया जाएगा, उसके आगे का कार्यकाल प्रशासक को सौंप दिया जाएगा। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।